हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन अफेयर्स। आज मैं आपके लिए पनीर मोमो की रेसिपी लेकर आई हूँ। साथ ही मैं आपको बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसा चटनी बनाकर भी दिखाऊंगी, जो आप पनीर मोमो के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मोमो बनाना और साथ में आप किस तरह से ऐसे शेप्स के मोमो बना सकते हैं जो कि बहुत आसान होता है और झटपट बन जाता है और हर कोई इसे आराम से बना सकता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं और देख लेते हैं रेसिपी। सबसे पहले मोमो की चटनी प्रिपेयर करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर ली हूँ। टमाटर के ऊपर की तरफ इस तरह से हम काट लेंगे और इस तरह से क्रॉस मार्क कर लेंगे, यहाँ जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक जगह में 2 ग्लास पानी गर्म करने के लिए चढ़ा ली हूँ। पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे। साथ ही में इसमें डालेंगे 3 से 4 काजू और 8 से 10 सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है तो आप ये कम ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में उबाल लेंगे। इसे उबालने के 10 मिनट हो चुके हैं, गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और सब कुछ एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद टमाटर के स्किन को हम पील कर लेंगे और छोटे पीसेस में टमाटर को काट लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। अभी सब कुछ एक ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ ही में इसमें डालेंगे 8 से 10 लहसुन, नमक स्वाद के हिसाब से, 1 टीस्पून विनेगर, 1/2 टीस्पून सोया सॉस और सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही यामी और स्पाइसी चटनी ब्लेंड होकर रेडी है। इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और साइड करके रख लेंगे। चटनी रेडी है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब चलते हैं मोमो के लिए डो प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसके लिए इस कप से मेजर करके मैं 2 कप मैदा यहाँ पे ली हूँ। इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून तेल। मिक्स करेंगे सब कुछ अच्छे से। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे हम गूंथ लेंगे। बहुत सॉफ्ट या फिर बहुत हार्ड डो हमें नहीं प्रिपेयर करना है। आटे के लिए जिस तरह का डो हम प्रिपेयर करते हैं, उससे हल्का सा हार्ड डो हम प्रिपेयर कर लेंगे। और इसे यहाँ पे देखिए, ये डो प्रिपेयर हो चुका है। इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से हम गूंद लेंगे और यहाँ हमारा डो प्रिपेयर हो चुका है। इसे हम 20 से 30 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, इस तरह से कवर करते हुए। अब चलते हैं स्टफिंग प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे 2 चॉप किए हुए हरी मिर्चें। नेक्स्ट यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 बड़े से प्याज को, मैंने फाइनली चॉप करके ले लिया है। मीडियम फ्लेम में हम प्याज को फ्राई कर लेंगे जब तक कि प्याज हल्का सा सॉफ्ट नहीं हो जाता। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 छोटे से कैप्सिकम को, मैंने फाइनली चॉप करके ले लिया है। इसे भी हम 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखिए, सारे वेजेस को हमें फाइनली चॉप करके ही लेना है। कैप्सिकम फ्राई हो चुका है, तो अब इसमें हम स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं 300 ग्राम पनीर ली हूँ, जिसको मैंने हाथों के हेल्प से इस तरह से क्रम्बल कर लिया है। अब इन सारे पनीर को हम पैन में डालेंगे और इसे अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो पनीर को ग्रेट करके भी ले सकते हैं। पनीर को 1 मिनट के लिए मसाले के साथ कुक कर लेंगे और फिर गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। ध्यान रखिए, पनीर को बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम तक कुक मत कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है, तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। डो को भी रेस्ट हुए 20 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब हम कवर खोल लेंगे। यहाँ मैं डो को 3 इक्वल पार्ट्स में छोटे बॉल्स में डिवाइड कर ली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीके से शीट्स बनाना दिखाऊंगी। सबसे पहले एक बड़ा सा पूरा डो लेंगे, हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे उसके ऊपर और इसे ऐसे प्रेस करके रोल करके एक बहुत ही बड़ा सा सर्कल बना लेंगे और ये एकदम से पतला हमें बेलना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर इस तरह का एक कटोरी लेके ऐसे हम कट लगा लेंगे इस तरह से। बहुत छोटा या फिर बहुत बड़ा बोल मत लीजिएगा, इसी साइज़ का बोल ही लीजिएगा। अब सारे शीट्स को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब चलते हैं, मैं आपको एक शीट दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसी तरह से आपको पूरा पतला इस शीट को रोल करना है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। अगर आप इसे पतला रोल नहीं करेंगे तो मोमो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। पतला होने से ही आपका मोमो बहुत बढ़िया बनेगा। अब इस शीट को हम चलते हैं स्टफिंग से भर लेते हैं, यहाँ पे जैसे मैं दिखा रही हूँ।
अब चलते हैं, मैं आपको सबसे पहले सबसे इजीएस्ट मोमो का शेप दिखा रही हूँ। एक एंड को लिफ्ट करके दूसरे एंड पे इस तरह से प्रेस कर लेना है जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, और फिर एक फोर्क लेके ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे और इसका एक बढ़िया सा डिज़ाइन बना लेंगे। तो हो गया हमारा एक मोमो रेडी। यहाँ पे चलते हैं, मैं आपको दूसरे तरीके का मोमो शेप बनाना दिखाऊंगी, जिसके लिए मैं एक बड़े से बॉल का ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना के डिवाइड कर ली हूँ। अब चलते हैं, इसे रोल कर लेते हैं। पूरी बनाने के लिए आप जिस साइज़ का बॉल्स बनाते हैं उसी साइज़ का बॉल हमें चाहिए, और इसे एकदम से थिन रोल करना है इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा थिन, शीट का सेंटर हल्का सा थिक और एजेस पूरा थिन रोल कीजिएगा। अब इसे हम स्टफिंग से भर लेंगे। दूसरे टाइप का शेप बनाने के लिए एक एज को लिफ्ट करके दूसरे एज में प्रेस करेंगे, जिस तरह से हमने पहले शेप में किया था। हाथों की हेल्प से इस तरह से इसे हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे, और फिर एक एंड को लेके दूसरे एंड पे इस तरह से ओवरलैप करते हुए ऐसे प्रेस कर लीजिएगा जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देखिए, और हो गया हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा मोमो शेप एकदम रेडी। और देखा आपने, ये बहुत ही ईजी है ना, और दिखने में भी बहुत बढ़िया लग रहा है। थर्ड शेप के लिए हम फिर से स्टफिंग फिल कर लेंगे एक शीट में, और इस केस में हम सिर्फ सेंटर में ही इसे प्रेस कर लेंगे और साइड्स का ऐसे छोड़ के इस तरह से प्रेस करके ऐसे दबा लेंगे जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। ये भी बहुत ही इजी शेप है। आपको मैं इस वीडियो में सारे शेप्स जो है आप बहुत आसानी से बना पाएँ वैसे शेप्स दिखाई हूँ। सारे शेप्स आप झटपट प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखा आपने, तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये सारे शेप्स। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है ना। फर्स्ट बैच में स्टीम करने के लिए यहाँ पे हमारे डिफरेंट तरीके के मोमो शेप्स रेडी है। अब मोमो को स्टीम करने के लिए हम एक जगह में 3 से 4 ग्लास पानी बॉईल करने के लिए रख लेंगे। पानी में भी बॉईल आ चुका है, तो इस तरह का एक स्टीमर लेंगे और इसे अच्छे से ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे। सारे मोमोज को हम अरेंज करके स्टीमर के ऊपर रख लेंगे। थोड़ा सा गैप रखिएगा हर मोमो के बीच में। अब इसको हम कवर करके स्टीम कर लेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। स्टीम करने का टाइम वैरी कर सकता है आपके मोमो के थिकनेस और साइज़ के हिसाब से। मोमो को बिल्कुल भी ओवर कुक मत कीजिएगा, नहीं तो वो बहुत ही च्यूवी बन जाता है। 7 से 8 मिनट के बाद एक बार आप अपने मोमो को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मोमो कुक होने का टाइम वैरी कर सकता है। तो अगर आपको मोमो ट्रांसपेरेंट दिखे और वो स्टिकी बिल्कुल भी ना लगे, इसका मतलब आपका मोमो कुक हो चुका है। ज़्यादा टाइम तक कुक करेंगे तो वो चीवी और हार्ड बन जाएगा। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं हमारे मोमो को कुक होने के, तो चलते हैं चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोमो पूरा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, इसका मतलब हमारा मोमो बढ़िया से कुक हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें इसे बिल्कुल भी कुक नहीं करेंगे, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अभी सारे मोमोज को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और बाकी के मोमोज को भी सेम तरीके से स्टीम कर लेंगे। गर्मा गर्म मोमो को दिखाए गए चटनी के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में, और बनाना भी इसे बहुत आसान है। और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी मत भूलिए। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी नए नए रेसिपीज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।